ये है चमत्कारी रोटी। रोटी की शेप पे बिल्कुल मत जाइएगा, ये रोटी मैं देव से बनवाती हूँ, जो मेरे पुराने परिवार के लोग हैं वो जानते हैं, क्योंकि मुझे अपने मरने के बाद का भी इंतजाम कर रहे हैं। यानी कि आज अगर देव देखेगा कि ऐसे माँ बनाती थी करती थी, तो कल वो मेरे जाने के बाद करेगा। एक बात पर ध्यान दीजिएगा कि ये गाय का घी है। हमने घी लिया इस तरह से, रोटी के ऊपर हमने घी को लगाया चुपड़ा पूरी तरह से। आपने कहा था कि प्रैक्टिकल दिखाओ, और वैसे मैं आपके साथ ये प्रैक्टिकल हर बार करती हूँ। हमने जो घी और बूरा हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस रोटी पर, याद रखिएगा उनके दोनों के डब्बे अलग हों। जैसे ये मैंने घी का 1 किलो का डब्बा ले लिया है 15 दिन के लिए, क्योंकि वाईवी मतलब पति देव जी की और देवा की, उन्होंने अपनी रोटी बना के अलग पैक करके रख दी है। पूजा वो रोटी उठा, देखो ये देव ने अपनी रोटी का रोल बना के रख दिया है। तो सबकी अपनी अपनी रोटियां हैं, और हमें एक तीनों के लिए इतना सामान लग जाएगा। अब इसके ऊपर मैं बूरा डालना शुरू करूंगी। अगर आप कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, अफ्रीका में हैं, वहां आपको गाय नहीं मिलती, यकीन मानिए आपको करना कुछ नहीं है। ये रोटी बनाकर किसी भी पेड़ के नीचे रख दीजिए, तो भी आपको इस रोटी के बनाने का पूरा फल मिलेगा गाय को खिलाने का, क्योंकि आपकी भावना अच्छी है। इस तरह से हमने रोटी पे बूरा डाला। अभी हमें इसके ऊपर फिर से घी जो है वो लगाना है। इस तरह से हमें इसके ऊपर घी लगाना है। इस तरह से इसके ऊपर हमें घी लगाना है, ठीक है। और बाद में ये जो घी और बूरा बचेगा, इसको आपस में इकट्ठा करके मैं थोड़ा सा आटा इसमें मिला के चींटियों को डाल दूंगी। फिर हमें इस पे बूरा डालना है, फिर हमें इस पे बूरा डालना है, फिर हमें इसके ऊपर एक एक बूंद घी डालना है। घी को वापस घी के डब्बे में रख देना है। घी का ढक्कन बंद किया, यहाँ पर हमने बूरे का ढक्कन बंद किया। ये दोनों डब्बे अगले दिन के लिए। अब इन दोनों रोटियों को आपस में इस तरह से बंद करना है। इस तरह से मोड़ा, ये अपनी सिल्वर फाइल, अखबार, किसी भी चीज़ में लिया इस तरह से। और अब मैं जा रही हूँ ये रोटी कमला को खिलाने, यानी कि गाय को खिलाने। जिस भी गाय को ये रोटी खिलाए उसका नाम रखिए। आप उसको बोलो कल मैं खिलाने फिर आऊंगी, और एक ही पर्टिकुलर टाइम पर जाओ। जैसे मैं अभी 10:15 जा रही हूँ, तो वो गाय आपको पर्टिकुलर उसी जगह पर मिलेगी। आप आवारा गाय को खिलाएं, बहुत बढ़िया है। नहीं तो आप इसे पितरों के नाम से गौशाला जाके भी खिला सकते हैं। अपने घर की जो गाय पाल रखी है उसे भी खिला सकते हैं। लेकिन ये चमत्कारी रोटी आपके पितृदोष को पूरी तरह से खत्म कर देगी। ये है बूरा। हाँ जी बेटा, लोगों को नहीं पता बूरा क्या होता है। बूरा क्या होता है लोगों को नहीं पता, वेरी गुड। चीनी होती है ना, चीनी, उसे पीस के उसका पाउडर बना के बूरा रख लेते हैं, इसे बूरा कहते हैं। कायदे से ये चीनी का जो है ना वो पाउडर है। अभी के लिए जय माता दी।